सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं कुसुम रावत स्वागत करती हूँ आप सभी का एक और न्यू ब्लॉग में। ब्लॉगिंग की शुरुआत लगभग सुबह के 10 बजे से हो रही है। तो फ्रेंड्स, सारा काम मैंने कर लिया है, नहाना धोना, कपड़ा धुलाना, ये सारा काम हो गया है मेरा। तो अभी ना मैं आज का ब्लॉग आप लोगों से, मतलब सुबह का डेली रूटीन किस तरह से मैं सुबह उठ के क्या क्या काम करती हूँ, ये सारा मैंने आप लोगों से शेयर किया है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। बाहर का मौसम बता दूं मैं आप लोगों को, बाहर का मौसम आज हल्की सी धूप लगी हुई है, ज़्यादा तेज धूप नहीं है और थोड़ा सा बादल छाए हुए हैं। तो फ्रेंड, मेरी सुबह की शुरुआत हो रही थी लगभग सुबह की 6 बजे से और आज मेरा तबीयत थोड़ा ठीक नहीं लग रहा था। दांत में रात से दर्द था, तो दांत दर्द की वजह से मेरे सर में भी दर्द हो रहा था। तो मैंने मतलब आराम से ऐसे लेटी हुई थी, तो बच्चों का स्कूल का भी टाइम हो रहा था, तो ऐसे फटाफट उठी और मुँह धुला के आई। तब तक हस्बैंड साहब ने मतलब मेरे लिए गर्म पानी का गिलास बना दिया था, तो फिर मैं बैठ के आराम से यहाँ पर गर्म पानी का गिलास पिया। और गर्म पानी पीते पीते ही तब तक हस्बैंड साहब मेरे लिए चाय भी लेके आ गए और चाय पी मैंने। फिर उसके बाद यार, बच्चों का भी स्कूल का टाइम हो रहा है तो उठना तो बनता है, मतलब हाउसवाइफ का तो वही काम है। अगर तबीयत ख़राब भी हो तो बच्चों के लिए तो कुछ नाश्ता पानी टाइम पे तो बनाना ही होता है। और मेरे बच्चे ना थोड़ा वॉकिंग चले गए थे सुबह 5 बजे, तो वो वॉकिंग गए हुए हैं और मैं आराम से यहाँ पर चाय पानी पी के बैठी हुई हूँ। तो सोचा अगर ऐसे बैठने से काम नहीं चलेगा भाई, काम कौन करेगा। फिर मैंने फटाफट अपना चाय ख़त्म किया और चल निकल पड़ी अपने किचन की ओर। तो किचन में देखा तो कल का मतलब कल के बर्तन थोड़ा बहुत थे, ज़्यादा तो नहीं थे, रात ही मैं साफ़ कर देती हूँ। और थोड़ा बहुत मतलब ये सुबह में इन्होंने चाय पानी पिया होगा तो पूरा बर्तन ऐसे फैला हुआ था, तो उनको इकट्ठा कर रही थी और थोड़ा गैस के इधर उधर भी साफ़ कर रही थी। रात को तो वैसे मैं पूरा साफ़ करके रख देती हूँ और जैसे ही टाइम देखा, घड़ी देखा, तो वैसे ही स्कूल का टाइम हो गया। यहाँ पर मैंने फटाफट अन्नू के कपड़े निकाले, प्रियांशु की तो छुट्टी थी, तो यहाँ पे अन्नू के कपड़े निकाले और अन्नू को मैं तैयार करने बैठी, क्योंकि पहले मैं फटाफट तैयार कर लेती हूँ और जैसे तैसे नाश्ता तो फटाफट कुछ भी बन जाएगा। वैसे ही दिमाग में हिंट दिया अन्नू ने कि मम्मी मतलब ऐसे हल्का फुल्का बनाओ और अभी तो रोटी परांठा बनाने का टाइम नहीं होगा। तो फिर सोचा कि चाउमीन पड़ा है तो फटाफट चाउमीन ही बना लेते हैं। तो उसका पापा ने तब तक मतलब चाउमीन बॉयल करने के लिए रख दिया था जब तक मैं अन्नू को तैयार करती हूँ, तो उन्होंने बॉयल करके रख दिया। फिर मैं उसके बाद उस पर क्रीम पाउडर जो भी लगाना था वो लगा के, उसके बालों में तेल तूल लगा के फटाफट उसको रेडी करके किचन में चली गई। और यहाँ पे ना मैं फटाफट चाउमीन चुमिन और उसके लिए टिफिन तैयार कर रही थी। मैंने कहा यार अगर टाइम पे बच्चों को नाश्ता पानी नहीं मिला तो फिर क्या ही होगा ना, स्कूल के लिए तो प्रॉपर मतलब तैयारी करनी पड़ती है। तो फटाफट जैसे तैसे मैंने बना ही लिया और अन्नू को बोला 5-10 मिनट ही हैं स्कूल जाने के लिए, तू फटाफट खा के रेडी हो जा और मतलब जल्दी जल्दी खाना। तो यहाँ पे फिर स्कूटी भी हस्बैंड साहब ने बाहर निकाल दी थी और अन्नू और उसका पापा अन्नू को छोड़ने के लिए चले गए थे। तो मैंने यहाँ पे अपना रूटीन स्टार्ट किया। यहाँ से सबसे पहले मैंने अब झाड़ू लगाना शुरू किया। अनुए से तो मैं पहले झाड़ू मार देती हूँ, बट यार तबीयत ठीक नहीं है तो क्या ही करूँ, है ना। और बाहर भी आई, बाहर का भी झाड़ू लगा दिया। हस्बैंड साहब ने बोल दिया था बाहर का छोड़ देना, आराम से कोई बात नहीं, बाद में मार देंगे, थोड़ा तबीयत ठीक हो जाएगा। तो नहीं, फिर भी नहीं मानता है दिल, ऐसे ही आ गई बाहर और फटाफट वहीं से कचरा कुचरा जो भी था वो सारा फेंक के आ गई। फिर उसके बाद मैं पोछा लगाने बैठी, तो पोछा भी देख लीजिएगा कि मतलब हाउसवाइफ का काम तो मतलब झाड़ू पोछा ये तो रोज़ का रूटीन होता ही है। तो यहाँ पे मैंने अपने लिए नहाने के लिए पानी रखा था, तो पानी भी गर्म हो चुका था, तो मैं नहा के मिलती हूँ आपको बाद में। कपड़े लेके जा रही हूँ मैं छत में, कपड़े धुला दिए हैं, नहाना धोना भी हो गया है और अभी ना दिन का खाना बनाने का टाइम हो रहा है। पर कोई बात नहीं, फटाफट। और अभी मैं छत में पहुंच चुकी थी, तो छत में मतलब मैं कपड़ा सुखाना शुरू किया। धूप इतनी अच्छी लगी हुई थी, मतलब 3-4 घंटा में आराम से कपड़ा सूख जाएगा। वैसे तो ठंड में कपड़ा सूखना मतलब नामुमकिन है, एक जैसे आज कपड़े डालेंगे तो 2 दिन बाद कपड़ा सूख रहा है, बट इधर छत में मतलब ऊपर कुछ भी पेड़ पौधे नहीं हैं, तो इतनी अच्छी धूप आती है कि मतलब जैसे अभी डालो तो शाम तक कपड़े सूख ही जाते हैं। और कपड़ा सुखा के नीचे आए कि फिर याद आया यार खाना बनाने का टाइम हो रहा है और अभी सब्जी तोड़ना है,
तो थोड़ा बहुत मेरा राई पत्ता हो रखा है, तो राई पत्ता तोड़ के लेके जा रही हूँ। दिन में बनाऊंगी आज राई पत्ता और चावल और दाल ना, तो यही हमारा डेली रूटीन होता है। आप लोगों को मैं इसी चीज़ को जो मैं काम करती हूँ वही आप लोगों से शेयर करती हूँ। मैं इनका राई पत्ता भी धुला के अंदर लेके जाती हूँ। तो आज का ब्लॉग मैंने छोटा सा ही बनाया हुआ है, मिनी सा ब्लॉग है मेरा। भरपूर प्यार दीजिएगा और अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा।